क्या हुआ जब इटली की संसद में प्रकट हुए खुद भगवान श्री कृष्ण। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देख बड़े बड़े अधिकारी भी कांपने लगे। दोस्तों, वर्तमान में दुनिया के सभी देशों में सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब यूरोप, अमेरिका और रूस जैसे देशों की सड़कें, पार्क, गलियों और मोहल्लों में भगवान का सरेआम कीर्तन किया जा रहा है और ये काफी ट्रेंड भी बन चुका है। इतना ही नहीं, अब यूरोपीय देशों की सरकारें भी अपने कार्यालयों में भजन कीर्तन करवा रही हैं। विदेशी हिंदू जमकर हरे रामा हरे कृष्णा का जप कर रहे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, ये विदेशी हिंदू हवाई सफर के दौरान हवाई जहाज में ही भजन कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। आपको बता दें कि ईसाई देश इटली में भी अब सनातन धर्म तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में यहाँ राजधानी रोम स्थित संसद में भजन कीर्तन किया जा चुका है। संसद में हुए कीर्तन में सांसदों ने जमकर हिस्सा लिया और हरे कृष्ण हरे राम के मंत्र पर जाप भी किया। बता दें कि हिंदू बनकर सनातन धर्म अपना चुके ये विदेशी भक्त खुलकर लोगों को अपनी धर्म की बातें बता रहे हैं। ये लोग नाचते गाते कीर्तन की रैलियां निकालते हैं। ये अपने आप में ही कितनी गर्व की बात है कि आज पूरी दुनिया हिंदू में होती जा रही है। जिस कीर्तन को आज भारत में इतना ज्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता, आज यही कीर्तन विदेशों में ट्रेंड बन चुका है। इतना ज्यादा ये ट्रेंड कर रहा है कि इसको विदेशी हिंदुओं द्वारा रोम की पार्लियामेंट में भी किया जा चुका है, जिसमें विदेशी हिंदू भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का जप करते हुए नजर आए, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि बहुत सारी हॉलीवुड फिल्मों में भी विदेशी हिंदुओं को कीर्तन करता हुआ दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान करता हुआ भी दिखाया गया है। अब ये प्रश्न उठता है कि कीर्तन में ऐसा क्या है जिसके कारण ये विदेशी इतना ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। आखिर वहाँ की गवर्नमेंट इसका इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। न्यूयॉर्क, लंदन और रशिया की कैपिटल मॉस्को की गलियों में हर जगह हजारों विदेशी हिंदू भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के नाम का कीर्तन क्यों कर रहे हैं। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस खास वीडियो में। आज ये कीर्तन दुनिया के 84 देशों में हो रहा है, पर साल 1966 से पहले भारत तक ही ये सीमित था, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि सन 1966 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु जी ने कीर्तन और भगवत गीता के माध्यम से अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की स्थापना की थी, जिसके कारण कीर्तन इस्कॉन के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचा। ज्यादातर विदेशी युवा सनातन की पवित्रता और उसकी परंपरा को समझकर इस्कॉन को ज्वाइन करते हैं। हर रोज पब्लिक प्लेसेस पर कीर्तन के माध्यम से भगवत गीता का प्रचार किया जाता है। बिना किसी शर्म और निस्वार्थ भाव से ऐसी ऐसी जगहों पर करते हैं जहां पर कीर्तन करने की हम ज्यादातर भारतीय हिंदू सोच भी नहीं सकते। करना तो दूर की बात है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो विदेशियों से भरी एक ऐसी एरोप्लेन है जिसमें विदेशी हिंदू जमकर हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक और खास वीडियो के लिए आप बने रहे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।